हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं गूगल सीट के बारे में, और गूगल सीट के अंदर हम बात करेंगे मैच और इंडेक्स नाम के फॉर्मूले के बारे में। तो गूगल सीट के अंदर में मैंने पिछली वीडियोज में आपके साथ बातचीत की थी कि अगर आप वी लुकअप कैसे लगाएं, वी लुकअप में मैच इंडेक्स मैच और वी लुकअप को कैसे कंबाइन करें, एरे को कैसे कंबाइन करें, ये सारी चीज हमने लास्ट क्लासेस में आपके साथ बातचीत की थी। अब जो है हम बातचीत करने जा रहे हैं कि अब मेरा डेटा थोड़ा सा चेंज हो, जैसे कि मेरी जो एसआईडी है वो एसआईडी आ गई है कहां पे, एफ कॉलन में। अब मुझे इसका नेम और सिटी को लुकअप करना है एसआईडी नंबर 12 से। तो कैसे होगा, तो चलिए हम इस पे आपके साथ बातचीत करते हैं कि इसको कैसे किया जाएगा। देखिए, इसके लिए हम वी लुकअप तो कतई नहीं लगा सकते, क्योंकि वी लुकअप चलता है लेफ्ट टू राइट, मतलब जहां हम सिलेक्शन करेंगे उसके फर्स्ट कॉलम में वी लुकअप इसका वैल्यू देगा। सो वी लुकअप को तो भाई भूल, तो इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, जो लेटेस्ट एक्सेल है उसमें एक्स लुकअप का फॉर्मूला है, पर गूगल सीट में अभी तक एक्स लुकअप कहीं दिखा नहीं गया है, तो एक्स लुकअप भी यहां पे नहीं है, तो इसको भी आप इग्नोर कीजिए। अब बात करते हैं कि तीसरा क्या उपाय हो सकता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि वी लुकअप में जो हम कॉलम इंडेक्स नंबर डालते हैं उसमें हम लोग माइनस कर दें तो कैसा लगेगा, कि हम सिलेक्शन। अब कुछ लोगों ने मुझे सलाह दिया था जब मैं वी लुकअप को सीख रहा था आज से करीब 20 साल पहले, तो उन्होंने बोला कि आप इसे सिलेक्शन कर लो और आप कॉलम में, यहाँ पे जो कॉलम में प्लस देते हो उसमें से माइनस दे दीजिएगा, हाँ -3। तो ऐसे लोगों की एडवाइस को बिल्कुल उसी तरह से भूलिए जैसे गुलगप्पे वाले आलू मसलते हैं और उसको देख के आप इग्नोर करते हैं साफ सफाई की है। चलिए, तो इसके लिए लगाएंगे फॉर्मूला हम सबसे पहले मैच। इस एक फॉर्मूला से काम चलेगा नहीं, हमें चाहिए होंगे दो फॉर्मूले। इसके लगाएंगे फॉर्मूला मैच। मैच फॉर्मूला इस 12 नंबर एस आई डी का रो नंबर सर्च करके मुझे देगा, कॉमा 0। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि मैच नंबर 13 नंबर रो नहीं दिया है, ये जो 13 नंबर रो नहीं दिया है वो सिक्वेंस काउंट किया है यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहां पे पहुंचा है। सो उस काउंट किया है, इससे इसकी मतलब कोई नहीं है, इत्तेफाक कहा जा सकता है, क्योंकि डेटा हमारा नंबर 1 से। अगर डेटा हमारा अगर 8 नंबर से होता फिर वो 13 नहीं देता, ज्यादा नहीं देता। अब हमारे पास एक फॉर्मूला आता है मैच का। मैच फॉर्मूला क्या करता है, तो मैच को हम बता चुके हैं, समझ में भैया आ गया है हम लोग। हम बात करेंगे इंडेक्स फॉर्मूला। इंडेक्स फॉर्मूला क्या करेगा, इंडेक्स फॉर्मूला एक डेटा को सिलेक्ट करता है। सबसे पहले हमने इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद ये पूछता है कि भाई रो नंबर और कॉलम नंबर दो। हमने रो नंबर 13 दे दिया और कॉलम नंबर दे दिया हमने 4 एंड कॉमा 0। तो आप देखेंगे कि कर्नाटका मतलब कि सिटी आ गई, जबकि अगर मैं इस पे 3 दे दूं 4 की जगह पे कॉलम नंबर तो हमारा नेम आ जाता है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, लास्ट में रो कॉलम में 0 कर दिया हमने, तो अब बात आती है कि इसमें जो हमने 13 नंबर हमने मैनुअली लिखे हैं ना, इस 13 नंबर पे मैनुअली ना लिख के इस पे हम मैच डाल देते हैं, और मैच का फॉर्मूला हमने यहाँ लगा रखा है, तो इक्वल के बाद हम फॉर्मूला को कॉपी कर देंगे और यहां पे हम 13 के जगह पे इसको पेस्ट कर देंगे सिलेक्ट करके एंटर मारी। तो मैच और इंडेक्स फॉर्मूला मैंने लगाया तो मेरा रिजल्ट आपके सामने आ गया, और बिल्कुल ये वी लुकअप की तरह वर्क करेगा, एकदम वी लुकअप की तरह वर्क करेगा, और ये लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट सारा डेटा ढूंढ के देगा। जी हाँ, बिल्कुल लेफ्ट टू राइट करके आएगा।
अब इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम कब होगी? जब आपका डेटा इंक्रीज होगा, क्योंकि अभी तक डेटा मान लीजिए ओ कॉलम था, कल के पी जेड एल कॉलम हो जाए या 18 से नीचे डेटा बढ़ता चला जाए, उस केस में आपको मैच की इस एड्रेस को हमेशा बढ़ाना पड़ेगा। और मैं ये कतई आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप पूरा का पूरा सीट इकट्ठे सिलेक्ट कर ले, क्योंकि पूरा सीट सिलेक्ट करते हैं तो आपकी फाइल बड़ी स्लो चलेगी, क्योंकि ये एक्सेल तो है नहीं, ये है गूगल सीट, और गूगल सीट में जब ज्यादा रन सिलेक्ट करेंगे तो एक ये आपको जो है ना एकदम भंगिया के चलेगा, रुक रुक के चलेगा। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा ना दे तो आपकी फाइल जो है थोड़ा सा स्पीडली वर्क करेगा, क्योंकि जितना रेंज देंगे उतना वो ढूंढेगा। तो हमारे पास एक जुगाड़ है ऑफसेट फॉर्मूला। ऑफसेट फॉर्मूला भी एकदम जब एकदम टिट्टो जो है मैच की तरह वर्क करता है। हालांकि इसका दो काम है फिलहाल, हम इसको मैच की तरह ही सॉरी मैच मत फिर मैं मंगा गया क्या हम इंडेक्स बोल रहे थे, इंडेक्स की तरह वर्क करता है, एकदम इंडेक्स की तरह। अब यहां हमें सब देना होता है सेल रेफरेंस, मतलब कि स्टार्टिंग ऑफ योर डेटा, जहां से डेटा स्टार्ट हो रहा है सिर्फ उसका एक दे दीजिए। उसके बाद ये बोलता है आपका रो नंबर, तो रो नंबर यहाँ पे 13 था तो यहाँ पे मैं 12 दूंगा, कॉलम नंबर 3 था तो 2 दूंगा। अब एक क्यों घटा रहे हैं कि क्या इसमें जीएसटी लग रहा है? नहीं नहीं एक इसलिए हम घटा रहे हैं क्योंकि जो ऑफसेट है ससुरा गिनती जो करता है वो 0-1 से 0 से करता है, 1 से नहीं करता है। मतलब इंडेक्स के लिए हमने जो ए निकाला है, मतलब कि जो नंबर निकाला है वो 2 है या 3 है तो उसमें से घट जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 हुआ तो इंडेक्स काउंट करेगा 1-2-3, लेकिन ऑफसेट काउंट करेगा 0-1-2-3। उसके लिए ऑफसेट ऑफसेट के लिए 4 हो गया, इंडेक्स के लिए 3 हुआ, इसलिए एक इसको हमेशा घटा देते हैं। और इसमें जो है हम यहां से मैच वाला फॉर्मूला को कॉपी करेंगे और यहां हम इस पे 12 के जगह पे इसको हम पेस्ट कर देंगे और इसमें से हम करेंगे -1। एंटर प्रेस कीजिए। अब यहां पे आप 17 डालिए तो आप देखिए नाम आ रहा है, 18 डालिए तो 18 तो है ही नहीं तो इसलिए अन्य आया, 13 डालिए तो रिजल्ट आपके सामने आया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मैच और इंडेक्स यूज करें या फिर आप यूज करें ऑफसेट और मैच। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब मान लीजिए कि मेरे पास जो डेटा है वो वर्टिकल नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल है। जी हाँ, मेरे पास अगला डेटा हॉरिजॉन्टल है तो राइट क्लिक करके हम पेस्ट स्पेशल और इसमें हम कर देते हैं ट्रांसपोज। अब मेरे पास जो 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 है वो कुछ इस तरह से है, तो कैसे करें? तो इसके लिए हम यूज करेंगे यहां पे एच लुकअप का फॉर्मूला। जब मुझे 5 नंबर का मान लीजिए क्वांटिटी शो करवाना है तो वी लुकअप तो लगेगा नहीं, क्योंकि वी लुकअप तो चलता है वर्टिकल, मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ, एक तो लेफ्ट से राइट की तरफ चलाना है। तो यहां पे हम यूज करेंगे एच लुकअप का फॉर्मूला। एच लुकअप, अब एच लुकअप का फॉर्मूला में बिल्कुल वी लुकअप की तरह चलेगा, हम टिट्टो जुड़वा भाई की तरह। अब इसमें हम सिलेक्ट करेंगे रेंज, तो सिंपल सी यही है कि हमने सिलेक्ट किया था रेंज ऊपर से नीचे की तरफ, अब सिलेक्ट करेंगे रेंज यहां लेफ्ट टू राइट वाला रेंज, और यहां पे मुझे रो इंडेक्स नंबर देना होगा, मतलब कि रो नंबर 9 पे क्वांटिटी है तो 9, और 0 तो डालना ही होगा एग्जैक्ट मैच करने के। तो अब देखिए ये आपका 62 आ गया। अब एज लुक आपने लगाया तो यहां पे आप ऑफसेट मैच और इंडेक्स मैच भी लगा सकते हैं। जी हाँ, आप ट्राई कीजिए कि इंडेक्स मैच कैसे लगेगा। हम इस पे आपको सिंपल सा है क्योंकि हर चीज बता देंगे तो फिर आप अपने से प्रैक्टिस कर कीजिएगा, इसलिए हम आपको
एच लुकअप की जगह पे मैच इंडेक्स या ऑफसेट मैच कैसे लगेगा, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। अगर नहीं हो तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको पढ़ा देंगे, दोबारा बता देंगे। चलिए इतना सस्पेंस कहा है रखते हैं, बता ही देते हैं। हमने यहां पे सिंपल सा लगाना है मैच का फॉर्मूला। मैच फॉर्मूला क्या करेगा, डेटा का लुकअप कर लेगा यहां से। सॉरी हमने यहां पे ऊपर सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे कॉमा जीरो करके हम एंटर मार देते हैं। ये बता देगा कि जो फाइव नंबर कितने नंबर कॉलम में है। अब यहाँ पे आप ऑफसेट लगा दीजिए, मैच लगा दीजिए, स्टार्टिंग ऑफ द डेटा लीजिए और रो नंबर हो जाता है हमारा 9, 9-1, 8 क्योंकि ऑफसेट लगा रहा हूं, और जो कॉलम नंबर इसमें होगा उसमें से -1 करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे कॉलम नंबर दिया जाएगा। अब आ गया 62 आपका। ये था हमारा एच लुकअप का फॉर्मूला। अब एच लुकअप के बाद अब आगे बढ़ते हैं कि मेरे पास कुछ सेल्स फिगर है, अब मुझे इसमें इंसेंटिव निकालना है। इंसेंटिव का जो ये है स्लैब है वो कुछ इस तरह से है कि 0 to 40 हुआ तो 500 होगा, 41 to 80 हुआ तो 1000, 81 to 100 हुआ तो 2000 और greater than 100 हुआ तो यहाँ पे 5000। अब कुछ लोग मेरी प्री सिक्वेंस को जो देखे होंगे वीडियो सीरीज जो मेरे ऐप पे, वो सोच रहे होंगे कि सर एक एग्जाम्पल तो आपने इसमें बताया था, फिर वीलुकअप के टॉपिक में कहाँ से आ गया। जी हाँ बिल्कुल आएगा वीलुकअप के टॉपिक में, और वीलुकअप इससे बड़ी आसानी से करेगा इसको। और जिन लोगों ने मेरा पूरी वीडियो सीक्वेंस नहीं देखी है उनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप मेरे ऐप को डाउनलोड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ऐप डाउनलोड कहां से करेंगे, बिल्कुल ठीक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, वहां से उठा लीजिए और ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके स्टोर में जाइए, आपको वहां पे सारे कोर्सेस का दिख जाए जहां पे सारे वीडियो सीक्वेंस ली है। और जहां का दिक्कत हो तो मेरा नंबर भी दिया हुआ है, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल आपका फोन उठाने के लिए मैं तैयार रहूंगा, वो भी फुल चार्ज फुल नेटवर्क के साथ। तो यहाँ पे हमें बस इस स्लैब सिस्टम को चेंज करना होगा। कैसे हम यहां करेंगे, 0, 41, 81 and 101, मतलब सबका स्टार्टिंग पार्ट यहां रख दीजिए। इसको कॉपी कीजिए, यहां पे पेस्ट कर देता हूं और यहां लगाते हैं फॉर्मूला वी लुकअप का लुकअप वैल्यू और डेटा को सिलेक्ट करते हैं यहां पे कॉमा 2 और यहां जो हम कॉमा 0 डालते थे ना, अब यहां पे कॉमा 0 नहीं, मतलब कि फॉल्स नहीं, यहां पे डालना होगा हमें ट्रू। हम डालेंगे ट्रू या फिर 1 ग्रुप लुकिंग के लिए, एग्जैक्ट मैच के लिए, ग्रुप लुकिंग के लिए। तो ये देखेगा कि 85 किसके बीच में, 81-10 के बीच में है तो 2000 को ये शो कर देगा। अगर मैं यहां पे डाल देता हूं मान लीजिए 45 तो 45 किसके बीच में है, इसके बीच में है। तो एक ग्रुप लुकिंग करता है कि किससे बड़ा किससे छोटा है, छोटे वाले के सामने की वैल्यू शो कर देता है। इसको आप सिंपल लुकअप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। जी हाँ लुकअप फॉर्मूले के अंदर आप इसको डालें और इसमें सेलेक्ट करें आप अपना मैच डेटा और रिजल्ट डेटा, एंटर कीजिए, सेम थिंग आएगा, सेम आ जाएगा आपको। लुकअप में एक फैसिलिटी होती थी एक्सेल में, अब देखते हैं कि गूगल शीट में है कि नहीं, कि हम कर्ली ब्रैकेट में सारे इनपुट्स डाल सकते थे। 41, 81, 101 और यहां पे 500 1000 2000 बिल्कुल।
तो इस तरह से इसके अंदर डाल सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, लेकिन एक काम जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब और मेरा ऐप को डाउनलोड। तो मिलते हैं अगली वीडियोज में। अगर आपने सब्सक्राइब किए होंगे तो मेरा वीडियोज आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा, अगर नहीं किया होगा तो कभी स्क्रॉल करते समय तुक्के से। थैंक यू।